सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सद्भावना के तहत 5 एकड़ भूमि दे दी है। जो लोग काफी समय से मांग कर रहे थे कि राम जन्मभूमि पे क्यों लड़ रहे हैं, दोनों को मिलके वहां एक बड़ा टॉयलेट बना देना चाहिए, अस्पताल बना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुन ली है और कहा है 5 एकड़ पे जो दिल चाहे बना दे। कोई बात, मेरा जो सवाल है, जो मेरी मांग है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर इस राष्ट्र में इतनी मैच्योरिटी आ गई है तो सुप्रीम कोर्ट को अगर यह लगता है कि इस देश के अंदर ऐसे विवाद, क्योंकि इसको जिस तरह सॉल्व किया गया है उससे ऐसा लगता है, जुडिशियल मैटर तो अपनी जगह है, उसमें तर्क अपनी जगह है, लॉजिक अपनी जगह है, रीजनिंग अपनी जगह है, लेकिन 5 एकड़ जो भूमि दी गई है वो सद्भावना के तौर पर दी गई है, उस पर हमें कोई सवाल नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब राष्ट्र इस बात के लिए तैयार हो चुका है, पूरी मैच्योरिटी के साथ हो चुका है, तो भाई लगे हाथ 2 मंदिरों का मामला और है, उस पर भी फैसला दे दो। आप फैसला कुछ भी दें, मैंने ये नहीं कहा फैसला जो भी देंगे देश मान लेगा, लेकिन जल्दी से दे दो, क्योंकि इस देश में लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब झगड़ेंगे नहीं। इसी सत्ता में जितने फैसले आ जाएंगे लोग लड़ेंगे नहीं, ना सवाल पूछेंगे, जाने का इंतजार करेंगे, लेकिन ये जाएगा नहीं। तो ऐसी तमाम कंट्रोवर्शियल बातें जल्दी सॉल्व हो जाएं तो देश को लाभ होगा और हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो फ्रॉड था वो चरम सीमा पर नजर आएगा। इतने सालों में हम यही नहीं समझ पाए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई में भाई कौन है और चारा कौन है। भाई वहां है पाकिस्तान में, चारा और चल रही कहां। तो कुछ कुछ चीजें इस समय, क्योंकि देश में 1000 साल के बाद यह सिचुएशन पैदा हुई है, आप तथाकथित आजादी के बाद भी आप आजाद नहीं थे, आपको ऐसा लगता था, इसलिए कई सारी चीजें हैं। एक दूसरी डिमांड है, 26 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के नहीं कोई अब तक तो 100 लोग उस पर साइन कर चुके हैं और 40 से 50 MP अलग अलग शहर में, चाहे वो वापी हो, राजकोट हो, जो बीजेपी के MP हैं वो मेरी सभाओं में आके बैठते हैं। मैं उनके सामने भी कह चुका कि एक काम जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसमें कोई नया आपको कैबिनेट की मीटिंग नहीं पास करानी है, अग्रवाल साहब, ये भारत का जो संविधान है, इस संविधान में कोई बदलाव की मैं मांग नहीं करना चाहता, जैसा है वैसा ही है, हैं 1000 खामियां उसमें, लेकिन उस पर डिबेट हो सकती है। 26 जनवरी 1950 को जब ये भारत का संविधान बन के लागू हो गया था, उसी वक्त चर्चा हुई संविधान सभा के जो सदस्य उनके बीच में कि ये जो भारत का संविधान है इसको अगर इसके ऊपर भारत न लिखा जाए तो हम कैसे समझें कि ये भारत का संविधान है, इसमें भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत की सनातन संस्कृति कैसे ऐसे दिखे कि इसको बगैर खोले सोच समझ जाएं कि भारत का संविधान हो सकता है। तो आपके प्रदेश के एक महान आदमी नंदलाल बोस, उनके अंडर में 9 लोगों की एक टीम बनी और शांति निकेतन के स्टूडेंट्स उनकी टीम का हिस्सा थे। 5 साल तक उन्होंने भारत के संविधान का अध्ययन किया और इमेजिनेशन से कि क्या क्या हो सकता है। यह सब उस वक्त की बात है जब सत्ता और व्यवस्था में ना आरएसएस थी, ना विश्व हिंदू परिषद था, ना बजरंग दल था, ना जागरण मंच था, कुछ था ही नहीं। ये खालिस वो लोग थे जो अल्ट्रा सेकुलर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और उनका फैसला था, यह हमारा फैसला नहीं था। और बाकायदा उस कमेटी ने कुल मिलाकर के 22 स्केचेस बनाए और वो सबको दिखाए गए, सबने अप्रूव किया और भारत के संविधान की जो कॉपी आई उसमें उनको डाला गया। यहां तक तो रिकॉर्ड है, हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपको कुछ नई बात मिलेगी सुनने को। पन्ने पे यानी भारत के संविधान का जो कवर है, जब आप उसे हटाएंगे तो पहले पन्ने पे जो कवर पे ऊपर खाली स्पेस है, आगे के पेजों पे खाली स्पेस है, पहले पन्ने के ऊपर भगवान राम, सीता जी और हनुमान बने हुए हैं। 22 स्केचेस हैं, उसमें कृष्ण जी की भी तस्वीर है, उसमें शिवाजी की भी तस्वीर है, उसमें बोस की भी तस्वीर है, लेकिन इस देश में किसी ने यह सवाल पूछा
कि जो संविधान की कॉपी आप ही ने बनाई, आप ही की मर्जी से बनी, आपने उसको चलाया, लेकिन कौन से दिन कब आपने उन 22 स्केचेस को भारत के संविधान से हटा दिया? उसी में लिखा था एक जगह, लॉर्ड रामा इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, उसी में लिखा था। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है और बहुत ज्यादा मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे छींटाकशी भी नहीं करता, लेकिन मैं इसका एक दूसरा कारण ढूंढता हूं। जिस संविधान की कॉपी की चीफ जस्टिस शपथ लेते हैं, तो आप तो ये मानते हैं ना कि संविधान के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसी की शपथ ले रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 22 स्केचेस हटा दो, इसकी शपथ नहीं है, इसकी शपथ है। अगर उन्होंने उसी संविधान की शपथ ली होती जिस संविधान की कॉपी को छुपाया गया, तो भगवान राम का अस्तित्व है नहीं है यह सवाल नहीं खड़ा होता, यह कोई नहीं पूछता। तो मेरा कहना यह है कि जो बेचारा मुजरिम होता है उससे तो आप कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, उसके पास तो बेचारे के पास कई कारण हैं झूठ बोलने के, को उसे जान बचानी है। लेकिन आपने जिस संविधान की शपथ ली है उसमें भगवान राम भी है, सीता भी है, उसमें शिव जी भी हैं, उसके उसके अंदर शिवाजी भी हैं, तमाम सारे लोग हैं, तो उस शपथ में वो लोग भी तो आते हैं कि उस शपथ से तस्वीरें गायब हो जाती हैं, उनकी भी तो महत्वता है। तो भारत सरकार उसी संविधान की कॉपी को रिट्रीव करे, जितने अमेंडमेंट्स हुए उन अमेंडमेंट्स को डाले, लेकिन ओरिजिनल कॉपी का रिप्लिका ही भारत के संविधान में आना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे तो आपका आधा संकट दूर हो जाएगा। आपका बच्चा जब उसको खोल के देखेगा तो वो कहेगा कि हमारे पूर्वजों ने, तो उन आपको कुछ बातें नहीं बतानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं बताएंगे तो सिर्फ आपने क्या किया कि आपने उनके स्केचेस भी हटा दिए, और किसने हटाए इसकी अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है, किसने हटाए कोई नहीं बता पा रहा ये बात। लेकिन मैं इतना इस पर दबाव बनाऊंगा जितनी मेरी शक्ति है आप लोगों के माध्यम से कि सरकार वो कॉपी जारी करेगी, और इस कॉपी के जारी होने के बाद उसी संविधान में एक आर्टिकल है 30A कैपिटल इन ब्रैकेट। आपने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और उनके सारे नाजायज रास्ते छोड़ दिए हैं। तो चोरों से कहा है तुम लूटो, और हमसे कहा है आप खामोश रहे, आप आदर्शवादी हैं, लूट हम रहे हैं। 30A के अंदर जो भारत के संविधान का हिस्सा है, मुझे अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, और मुझसे ही सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि आप को आदर्श, आदर्श की जहां से प्रेरणा मिलती है वो तो हटा दिया है, और उन्हें आदर्श की प्रेरणा जहां से मिल रही है वो कहते हैं हम दो हमारे 22। हम काउंटर कैसे करें? मेरा बच्चा अगर सनातन के बारे में पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, डिग्री कोर्स करना चाहता है, तो वो कहां करेगा? और जब वो जानेगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे? तो फिर तो यही सब पढ़ेगा ना इधर उधर का। वो जो पाखंड हो रहा है आज हिंदुत्व के नाम के ऊपर, वो समझ रहा है यही हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये दुकानें चल रही हैं हिंदुत्व के नाम पर, माफ कीजिएगा। इसलिए भी कुछ चीजें अंदरूनी तौर पे हमें सोचना चाहिए कि हमारी इतनी दुर्गति क्यों हुई है। हम दुनिया के महान लोगों में से थे, हमने पूरी दुनिया को ज्ञान बांटा है, आज हमारी स्थिति हो गई है कि जो पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, खुल्लम खुल्ला, और हम कह रहे हैं कि भाई क्या अब ये वो नहीं बता रहे कि पीस की कौन सी मीनिंग है, कौन सी स्पेलिंग है, वो नहीं बता रहे, लेकिन हम भी लगे हुए हैं, हम भी यही बता रहे हैं। तो हम ये किसको बता रहे हैं? हम अपने उस बच्चे को बता रहे हैं जिसको उनसे लड़ना है भविष्य में। अब वो बेचारा समझ नहीं पा रहा, वो कह रहा है ये मेरे पिताजी कह रहे हैं कि कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, और जब घर से निकलता है तो पीस वाले फरसा लेके खड़े होते हैं। तो आप उसको सही बात बताएं तब तो लड़ पाएगा ना वो। अगर जो ट्रेनिंग हमारे माँ बाप ने हमको दी होती, हम तो सिर्फ इस बात के शुक्रगुजार हैं अपनी माँ के और पिता के कि उन्होंने सही जगह जन्म दे दिया हमको। वो तो बेचारे पिताजी तो नहीं रहे, हमारी माँ है, लेकिन वो परेशान है कि यार इसे हमने क्यों पढ़ा दिया। अब वो ढूंढते हैं और फिर कहते हैं तुम ऐसे कैसे हो गए, मैंने कहा किताब पढ़ के ऐसे ही हो जाता है आदमी।
मैंने भी पढ़ ली। तो मैं कह रहा हूं कि आने वाले खतरे हैं, आने वाले जो चैलेंजेस हैं, अगर उससे हम अपने बच्चे को नहीं बताएंगे तो आपको क्या लगता है, हर बच्चा अमेरिका चला जाएगा क्या? क्या बेकार कंट्री है, चलो अमेरिका, सारे लोग अमेरिका तो नहीं जाएंगे ना। तो उसको लड़ने की लड़ाई मीन्स नॉट फिजिकल वेपन्स की लड़ाई नहीं कह रहा मैं, उसको मानसिक तौर पे तो ठीक करेक्ट करिए, आपने मानसिक तौर पे उसको अपंग बना दिया है, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा बेचारा। इसीलिए बहुत सारे जो आपके तमाम जो आदिवासी इलाके हैं वहां पे भी एक नया फ्रॉड चलने लगा है। यहां के जो लोग हैं बेचारे वो आदिवासी लोगों के बीच में काम नहीं कर पा रहे, जिनकी जबान ये है, जिनका धर्म ये है, वो यहीं के हैं, लेकिन वहां से शिकागो से चल के एक साहब आ रहे हैं, वो यहां कन्वर्जन कर रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। तो मैं आदिवासी इलाकों में, आप छोटे छोटे ग्रुप में भी कभी जाएं, मैं वहां भी गया, झारखंड भी गया, मैं छत्तीसगढ़ भी गया, तो मैंने लोगों से कहा कि कुछ बातों को इस तरह कहिए कि लोगों को आसानी से समझ में आए। एक तो हमारे यहां बच्चा पैदा होने के फौरन बाद ही माता पिता सेंट स्टीफन में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, हम कर कुछ रहे हैं और रिजल्ट कुछ चाहते हैं, चाय में नमक डाल रहे हैं कहने चाय मीठी होगी। आपने उस बच्चे को पहले दिन से कहां भेजा है, वहां का कंट्राडिक्शन समझिए उसके दिमाग में। हम सब मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर अगर कोई सबसे दो पावरफुल शब्द हैं जिन्हें मैं अक्सर बीच बीच में कोट करता हूं, अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी सच्चाई है जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता, किसी तरीके का नहीं कर सकता, उस सच्चाई का नाम है मां। उसको कोई बदल नहीं सकता। और इसी संस्कृति का एक शब्द है विश्वास। विश्वास का इससे बड़ी कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती कि मां जिस बच्चे को जन्म देती है, जब वो आंखें खोल के बैठने लगता है, जिसकी तरफ इशारा करके कहती है ये तुम्हारे पिता हैं, वो बच्चा जीवन भर उसे अपना बाप मान लेता है, उससे सवाल नहीं करता। तो जो पिता बनता है, जो बहन होती है, जो किसी की भाभी होती है, जब वो बच्चे को जन्म देने के बाद वो उस दिन से मां बनती है, वो आदमी पिता बनता है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद उसे फादर का दर्जा मिलता है। लेकिन अफसोस यह है जिन्होंने न शादी की न कोई उनका बच्चा है, वो मदर भी हैं और वो फादर भी हैं। अब बेचारा अपने घर वाले फादर को भी फादर कह रहा है और वहां ऐसे आदमी को फादर कह रहा है, कंट्राडिक्शन में फंस गया है। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब पिता के बारे में तुम्हारी मां ने बता दिया है कि ये तुम्हारा फादर है, तो ये सफेद कपड़ों वाला फादर तुम्हारे घर में क्यों आता है? तो हम फादर का और मदर का जो भारतीय संस्कृति में मतलब है उसे हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, हम फादर फादर, कुछ दिन के बाद उसे लगता है ये फादर होगा, वो भूल जाता है क्योंकि घर वाले फादर को तो फुर्सत नहीं है बात करने की। तो हमने बहुत सारी संकट अपने कारण से पैदा कर लिए हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमने ये सोचा हो कि हमारे यहां तो दिक्कत यह है कि घर में भी कुछ धार्मिक बातें नहीं होती, मंदिर में तो भगवान ही मालिक, वहां आसाराम है, वहां तो बहुत सारे ऐसे राम रहीम घूम रहे हैं। तो कौन सी ऐसी जगह हो जहां से वो अपनी उत्पत्ति, अपनी जड़, अपनी रूट से जड़ा रहे हैं और सारी शिक्षा उसकी ट्विंकल ट्विंकल स्टार से होती है, फादर और गॉड और मैरी से होते चली जाती है कहानी। फिर कहते हैं कि देखो हमारे बच्चे बिगड़ गए, बिगाड़ा तो आपने है, क्योंकि आपको इस बात की चिंता है कि बड़ी से बड़ी नौकरी पाने के लिए उसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है और उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन ये भारत ही एकमात्र देश ऐसा है मेरे भाई, इसी देश में पिछले 70 सालों में रिकॉर्ड निकालिएगा, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम बने हैं, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम बने हैं। और उन वृद्धाश्रम में, मैं माफ कीजिएगा, कोई गरीब घर की महिला नहीं रह रही है, बड़े बड़े लखपति करोड़पति बच्चों की माएं रह रही हैं उसमें। किस लिए पढ़ाया था आपने? तो पूरी परंपरा को समाप्त कर दिया इस आधुनिकता में जो आपके लिए नहीं थी। आधुनिकता का मतलब है, जो बॉम्बे की एक कहानी हुई है वो तो पागल कर देने वाली कहानी है।
पता नहीं आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी। उस लड़के ने अपनी मां से बात की टेलीफोन पे, और वो मां कई महीनों से उसका इंतजार करती रही। टेलीफोन पे बात की उसने अपनी, वो जल्दी में था, वो टेलीफोन गिर गया। एक छह महीने के बाद बॉम्बे के उस मकान में वो टेलीफोन उसके गर्दन पे पड़ा था और वो कंकाल बन चुकी थी। ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं जिस संस्कृति के अंदर आपको श्रवण कुमार जैसी चीज कहानियां सुनाई जाती हों। हम हैं कुछ, कर कुछ रहे हैं, और दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि घर वापस हो जाओ, तो वो कहेगा यार ऐसे घर आने का क्या फायदा है। आप अपने रूट को लौटिए, सब ठीक हो जाएगा। लिहाजा कोई एक घटना नहीं है, अभी हजारों ऐसे काम होने हैं अगर ये समाज चेतन हो गया। मैं आपकी पोजिशनिंग या इस देश की पोजिशनिंग ये चाहता हूं कि आपका आदमी सत्ता में बैठे या ना बैठे, लेकिन देश को ये पता चल जाए कि जिसे बिठाएंगे उससे काम करा लेंगे, क्योंकि इसके बगैर वो बाहर नहीं जा पाएगा। अपनी पोजिशनिंग पॉलिटिकल ऐसी करिए। आपके पास अगर लोगों को लगता है कि वो वोट बैंक है, तो भाई अगर वोट बैंक है तो हम भी वोट बैंक हुए जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। अगर सत्ता बदलने के लिए हमें वोट बैंक ही बनना है तो चलो हम ये भी बन जाते हैं, क्योंकि वोट बैंक नहीं बनेंगे तो सत्ता पे नहीं बैठेंगे, और सत्ता पे नहीं बैठेंगे तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो आप अपने सनातन को पहचाने, अपने पुरुषार्थ को पहचाने। अगर गलतियां हमारे दौर में 1000 साल में हो गई हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जो भूल थी हमारी, तो आप उनको अपने अंदर मनन करें, चिंतन करें। कोई बाहर से फादर बताने नहीं आएगा आपको, कोई नहीं आएगा आपको। और जिस दिन भी धीरे धीरे इन गलतियों को बदलेंगे, 14-19 की गिनती शुरू होती रहेगी। इसलिए कोई अगर मगर सवाल मत करिए, जो तर्क करना है घर में करिए। आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, जो दिल चाहे आप हो जाइए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अपनी जाति और अपने गोत्र की चिंता घर के चार दीवारी के बाहर मत करिए। जब बाहर निकले आप, तो लोग आपको कहें कि ये सनातन के मानने वाले लोग हैं। लिहाजा आप को हामिद भाई के घर जाकर के सिवैयां इसलिए खाना है कि शहर में ये बता सके कि आप बहुत सेकुलर हैं। नहीं नहीं, मैं तो जाता हूं, मैं तो हामिद भाई के लिए जाता हूं। और उन हामिद भाई जिनका कटोरा हमारी नानी दादी दरवाजे पर रख देती थी कि पानी पी के गए हामिद, इसे कहीं दरवाजे पर रख देना। उनके गले मिलने और उनकी सिवैयां खाने हर आदमी जा रहा है, तीन तीन बार गले मिल रहा है। एक बार गलती से हफ्ते में उस दलित के घर का पानी पी के आइए, ये समस्या मैं कह रहा हूं बगैर लड़े सीख हो जाएगी। जो गांधी कहते थे नॉन वायलेंट, बगैर कुछ कहे आप इतने ताकतवर होंगे कि 33 करोड़ हो जाएं, चाहे 57 देश हो जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। हमने बोनों के आगे अपने आप को झुका दिया है, अपनी मूर्खताओं के चलते, अपने कॉम्प्लेक्सेस के चलते। हम सच कहने से डरते हैं। सच कहिए, कोई माई का लाल किसी की गर्दन वर्दन नहीं कलम करता। और मैं बार बार फिर वही बात कहूंगा कि आप तो डरे हुए लोगों से डर रहे हो यार। किसी बहादुर से डरो तो चलो समझ में आता है कि किसी बहादुर ने हमको मारा, किसी बहादुर ने हमारे ऊपर रूल किया। कौन कौन है ये लोग भाई, कहां से आए हैं? फारूक अब्दुल्ला का दादा परदादा कौन था? इकबाल का दादा परदादा कौन था? ये जो चले गए जिन्होंने पाकिस्तान के जो फादर ऑफ नेशन है, ये कौन है? ये भी कन्वर्टेड था। तो भाई अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि भारत के मुसलमान सब कन्वर्टेड हिंदुओं से हैं, तो पहले तो उनका नशा झटकर लगेगा उनको। और खूब कहिए, आप चढ़ाइए मत, उनसे कहो कि बैठो बताओ हमें कि गजनवी कहां से आया था, बाबर कहां से आया था, तो उनको समझ आ जाएगा। और जिन जिन की समझ में आ रहा है ना, अगर ये स्थिति रही, मेरा मानना है और मुझे लगता है कि जो कश्मीर में हो रहा है, लोग अपने बायोडेटा ढूंढ रहे हैं। कौन सी डेट में हमारे पूर्वजों ने धर्म बदला था, वो डेट जल्दी से बताओ। इसलिए फारूक अब्दुल्ला का पता चल गया है, इकबाल का पता चल गया है, और मैंने पब्लिकली कहा फारूक अब्दुल्ला साहब आपको बताने में शर्म आएगी, मैं बता देता हूं। 1722 में आपके पूर्वजों का नाम था राघो राम कौल,
ये चर्चा में लाएंगे ना, इससे बड़ी घर वापसी एक ही बार में हो जाएगी। ये कहना तो शुरू करिए ना, आप पूछिए ना क्या कहते, क्योंकि तुम्हारी हरकतें हमारी जैसी हैं, वही कर रहे हो तुम भी। अब सब जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस क्या था, असली नाम पता है उनका? ही वॉज सारस्वत ब्राह्मण, लेकिन हमने जॉर्ज फर्नांडिस को कुछ और देखा है। सब लोग समय के हिसाब से कुछ कारणों से, और आजकल तो अजीबोगरीब स्थिति है, लोग धमकी देते हैं, हमें ये नहीं दोगे तो हम नाम बदल लेंगे, हम धर्म बदल लेंगे। तो आपने अपने धर्म की जो बातें हैं वो आपको नहीं पता तो बताएंगे कैसे आप? इसलिए मैंने कहा सनातन का मतलब है ज्ञान विज्ञान। इसलिए आप गंगा की पूजा, सूरज की पूजा, पानी की पूजा, पेड़ की पूजा इसलिए करते हैं कि आप प्रकृति के हिस्से हैं, आप इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आपने कोई घंटा नहीं बजाना, आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना, इसलिए आपने चिंता ही नहीं की। आपका सिर्फ 24 घंटे ज्ञान से संबंध था और सारी चीजें साइंटिफिक हैं। आपने एक चीज प्रूव नहीं की ऐसी कि आप अनसाइंटिफिक हो। तो यह बात अलग है कि कुछ लोग लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों ने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आपको कहा ये पोंगा पंटी है, हिंदू हैं, और 1947 से पहले तो भारत था ही नहीं, और ये तो गांधी जी के आने के बाद हुआ, क्योंकि उसी वक्त पता चला कि वो पिताजी मिले हमें, उससे पहले तो पता नहीं था। तो कुछ कुछ चीजों को हमने बहुत गलत तरीके से देखा, जिसकी वजह से हम सही बात नहीं पता कर पा रहे। हमारा इतिहास 1947 से नहीं होता, और आज तो सब कुछ अवेलेबल है, आज इंफॉर्मेशन का इतना फ्लो है कि आप गूगल कर लीजिए कि ये जो इलाहाबाद के अंदर जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, ये जो कुंभ है ये 1947 में गांधी जी ने शुरू किया था क्या? हजारों सालों से चल रहा है, हजारों सालों से। और वो इसलिए नहीं चल रहा कि कुछ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो वहां नहाने आते हैं, उसका पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है। जिस समय होता है उस समय 12 साल के अंदर वो प्लेनेट आके जिस जगह रुकता है, उस वक्त जब रेस धरती पे पड़ती है तो जितना भी पानी होता है वो प्योरीफाई हो जाता है, उसमें नहाने से आपके रोग खत्म हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है, लेकिन ये साइंस नहीं बताई गई हमारे यहां। हमारी तो दिक्कत यह है, मैं कल परसों कह रहा था कि हम तो कथा कराने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी का एक भजन हमारी समझ में आ जाए तो नाम बदल दीजिएगा। बस यही समझ में आता है कि पंडित जी ने कहा 500 रुपए यहां रख दीजिए, 200 रुपए यहां रख दीजिए, 25 रुपए। मैं सॉरी, बट हमने इसको रोका नहीं कि पंडित जी आप कथा करने आए हैं या बित्ती भरने आए हैं? आप जो कथा कर रहे हैं, जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो बताइए। देखिए, अब आप किसी का कितना भी विरोध करें, कोई आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कुछ चीजें सीखनी चाहिए। ये रमजान सुने हैं आपने? रमजान जब रोजे रखे जाते हैं तो आपको क्या क्या पता है इसके बारे में कि मुसलमान सुबह सुबह उठते हैं, सहरी खाते हैं और पूरे दिन भूखे रहते हैं और फिर शाम में खाना खा लेते हैं, इतना ही पता है ना? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो नहीं पता, उस पूरे रमजान के दौरान, रोजों के दौरान, ये 30 दिन के रोजे होते हैं, और इस 30 दिन के अंदर जो कुरान शरीफ है उसको 30 हिस्सों में बांटा जाता है, और उस दरमियान में उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ा जाता है। और जो पढ़ने का समय होता है कि जब मुसलमान शाम को सहरी कर वो इफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद जो आखिरी नमाज होती है उस 9 बजे के बाद मस्जिद में मुसलमान मिलते हैं, और उस चीज़ को कहा जाता है तरावियां पढ़ना। किसी मुसलमान से पूछिए तरावियां पढ़ने का मतलब क्या है, बहुत सारे मुसलमानों को नहीं पता होगा। मैं उसका टेक्निकल और आपको उसका एकेडमिक मतलब बता देता हूँ। उसका पर्पस ये होता है कि रमज़ानों के अंदर ज़्यादातर मुसलमानों में जितने भी फेस्टिवल हैं, चाहे वो ईद है या दूसरे हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है उसका। सिर्फ रमज़ान जो रोज़ा उनका, मुसलमान का जो 5 फंडामेंटल हैं, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और ईमान, ये 5 चीज़ें एक मुसलमान के होने के लिए होनी होती हैं। उसमें से रोज़ा एकमात्र ऐसा है जिसके बारे में ये फरमाया गया है कि जब आप रोज़ा रखें तो आपका रोज़ा है ये सिर्फ आप ही को पता है। उसका गुणगान नहीं होगा कि रोज़ा है, रोज़ा है, रोज़ा, ये नहीं होगा, बहुत सेक्रेट माना गया है। इस दरमियान में रात में 9 बजे से 10 बजे तक हर मस्जिद के अंदर तरावियां पढ़ी जाती हैं, उसे तरावी पढ़ना कहते हैं, और उसके असल मकसद ये होता है कि मौलवी साहब कुरान शरीफ का एक पार्ट का बोलेंगे और साथ साथ लोग पीछे उसको दोहराएंगे, और मौलवी साहब को लगेगा कि किसी ने उसका उच्चारण, ट्रांसलेशन, प्रोनंसिएशन, और उर्दू में कहते हैं तलफ्फुज़,
अगर ये ठीक नहीं किया तो वो रोक के उसका ठीक कराएंगे। इस 30 दिन के अंदर मुसलमानों को कुरान मजीद की जो आयतें हैं उसका सही तरीके से प्रोनंसिएशन कैसे होता है इसकी ट्रेनिंग होती है। सी, क्योंकि वो इतना पवित्र महीना होता है कि उसमें ज्यादातर लोग जाते हैं, रूटीन में नहीं करते। लेकिन आप बता दें, एक मंत्र कोई एक एवरेज बच्चा बताते, मैं ही नहीं पढ़ सकता। मैं तो खैर इसलिए नहीं पढ़ सकता कि मेरी टंग ट्विस्ट जो है वो कुरान की तरफ ज्यादा हो चुकी है, तो अब वो वापस नहीं लौट रही, अब मैं उसमें नहीं कुछ कर सकता। तो हमारे यहां इन चीजों पे कहीं जोर है? एक एवरेज घर में पूजा होती है, मंत्री वो आते हैं, पंडित जी वो करके चले जाते, क्या कहा उन्होंने क्या नहीं कहा, हम तो चिता पे भी वही उनका अंदाज देखते हैं, हम पैदा होने पे भी देखते हैं, और झोला लटकाए और चले गए। तो हम भड़ किस तरफ रहे हैं भाई? हम जिनसे काउंटर कर रहे हैं, हमने अपनी चीजें छोड़ दी और उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो कम से कम जैसे भी हैं, आपको अच्छे लगे ना लगे, उनकी थ्योरी गलत हो ना गलत हो, लेकिन वो अपनी जगह फिक्स तो हैं, उस पर तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। अय्या अलल फला का प्रोनाउंसिएशन गलत तो नहीं कर रहा है। तो हम उनके बारे में नहीं जानते और अपने बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ऐसे इधर से उधर घूम रहे हैं। तो हम हिंदुत्व को समझने लगे हैं भारत माता की जय कह देने से, हिंदुत्व तो यार कमाल की बात है, इससे ज्यादा मजाक कोई उड़ा सकता है हमारा? हम तो खुद अपना मजाक उड़ाते हैं भाई। तो आपको देख करके कोई आप जैसा क्यों बनेगा, बताएं मुझे, आपको देख करके कोई कैसा हम इन जैसा बनना चाहते हो? क्या यार पागल हो, इनके कुछ पता ही नहीं है, इनको ना अपना पता है, ना पूर्व का पता है, ना पश्चिम का पता है, ना अपने इतिहास का पता है, ना अपने धर्म के बारे में बता पाते हैं। एक एवरेज आदमी को कहां पता ये बातें, लेकिन हमें यह सूट करता है सारे धर्म बराबर हैं। कुछ कुछ नैरेटिव तोड़ दीजिए और जब तोड़ेंगे तो सच्चाई पता चलेगी। इसलिए धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। मजहब की स्थिति एक नाली जैसी है और धर्म की स्थिति एक समुद्र जैसी है। नाली के अंदर अगर पानी नहीं बहता तो स्मेल आने लगती है। यह 1400 साल पहले जो लिखा गया है पहले कलमे से लेके आखिर तक, और इसीलिए उस किताब को पढ़ने वाला बख्तियार खिलजी जब भारत आया तो नालंदा में उसने 91 लाख की लाइब्रेरी में आग लगा दी, क्योंकि उनका मानना यह था कि इस किताब के बाद अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन 1400 साल के इतिहास में जहां से इस्लाम चला है, 632 में प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जब इंतकाल हो गया, तब से लेके अब तक इस पेंसिल की नोक जो पॉइंट है ना, किसी सिविलाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। एक माचिस नहीं बनाई है इस मजहब के मानने वालों ने, एक कंट्रीब्यूशन किसी सिविलाइजेशन को हो। जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन ये है उनकी समस्या देखिए जरा, क्या कंट्रडिक्शन है। वो यहूदियों से लड़ेंगे, वो काफिरों से लड़ेंगे, वो गैर मुसलमानों से लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ अल्लाह। इतने बड़े मूर्ख हैं कि जिनसे लड़ रहे हैं, जिनको खत्म करना चाहते हैं, उन्हीं का हथियार लिया है। अपना हथियार भी नहीं है उनके पास, अपना हवाई जहाज भी नहीं है, सब कुछ यहूदियों का लेके यहूदियों को मारने चले। आपसे ही सब कुछ लिया है और आपको समाप्त करने में उनकी फैशन है। अब यहां हमारे यहां लव जिहाद शुरू हो गया है, कन्वर्जन शुरू हो गया। तो कन्वर्जन तो बहुत पहले भी था, अगर कन्वर्जन नहीं होता तो फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला और इकबाल कैसे पैदा होते भाई? तो तब आपकी गिनती थी, तब आप तलवार से कर रहे थे, अब आप इस तरीके से कर रहे हैं और आप कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं आप इस स्थिति में हैं कि आप लड़ नहीं सकते, कहीं आपके पास तर्क नहीं है। और सारा देश इसमें यह कहता है नहीं नहीं हमारे यहां तो कन्वर्जन है ही नहीं, तो फिर हो क्यों रहा है? तो किताब के मानने वालों से आप कुछ न कहें, आप अपने सनातन की तरफ चले जाएं, ये किताब वाले जल्दी इधर आ जाएंगे। अपनी ताकत को पहचाने, हजारों मामले हैं संवैधानिक तौर पे, कई जगह हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद इस देश में है,
उसको माने, क्योंकि हमारे राजनीतिक दलों ने कश्मीरी जमहूरियत के चलते इस जम्मू कश्मीर की क्या हालत बना दी थी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये शब्द अक्सर बीच बीच में सुनाई देता हो, लेकिन इसको किसी ने एलोबरेट नहीं किया है। इस्लाम में जो कुरान मजीद है उसकी एक हदीस है, वो हदीस ये कहती है कि किसी पैगंबर, अब कंट्रडिक्शन देखिए, मोहम्मद साहब इज द लास्ट पैगंबर, राइट, और मोहम्मद साहब लास्ट पैगंबर है और उसी कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि 1,24,000 आ चुके हैं। अब अगर 1,24,000 दिन एक एक दिन का भी एक पैगंबर रहा होगा तो फिर इस्लाम 632 से नहीं शुरू होगा, पर तो कई सौ साल पहले शुरू होगा। तो वो पैगंबर किस रूप में आए थे? अलग अलग रूप में आए थे। इसी में एक कंट्रडिक्शन ये है कि जो शिया फिरका है, जैसे वो शिया कहते हैं, जो मोहम्मद साहब के दामाद अली, जहां से शिया इमामत शुरू हुई, वो कहते हैं कि 1,24,000 आ चुके हैं और आते रहेंगे। जब तक ये सृष्टि है तब तक पैगंबर जन्म लेते रहेंगे, लेकिन उन पैगंबरों में किसी ने ये नहीं कहा है कि वो मूसई होगा, वो इब्राहिम होगा, वो इस्माइल होगा, वो अलग अलग शक्लों में आएंगे। इसीलिए शिया ये मानता है कि कृष्ण जी भी पैगंबर थे, रामचंद्र जी भी पैगंबर थे, शिया का मानना यह है। इसीलिए मैं उनसे कहता हूं, मानते रहो तो तुम्हें लगेगा कि एक पैगंबर 2014 में भी आया है, और मैं उसको तथ्यात्मक तौर पे कह रहा हूं, इसे लाइटर नोट मत लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि पैगंबर का पहला काम लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, सड़कें बनाना नहीं होता। जो भी मजहब के नाम पे सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा हो गलत, उसको सही करना उसका पहला काम है। कुरान मजीद में एक आयत में साफ साफ लिखा हुआ है, जहां अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, जो अपने फॉलोअर से मुखातिब हैं वो उनसे बात कर, और वो कहते हैं कि मैंने इस कायनात में हर वो चीज बनाई है जो तुम्हारी जरूरत के लिए है और तुम्हारे लिए है, लेकिन जिंदगी जीने के मैंने कुछ उसूल बनाए हैं, अगर उन उसूलों से तुम हटे और रास्ते से नीचे आए तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। ये मैं नहीं कर रहा, ये कुरान शरीफ कर रहा है। जो शख्स 2014 में जीता, वो पैगंबर हो ना हो कुछ नहीं हो, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं भरी मुसलमानों के सामने भी कहता हूं, जो सबसे नाजायज काम अगर इस्लाम में हो रहा था, इस्लाम के नाम पे हो रहा था, कुरान के नाम पे हो रहा था, और बार बार उसका जिक्र मोहम्मद साहब से किया जाता था, मोहम्मद साहब की 13 बीवियां थी, अल्लाह बचाए, लेकिन जिस हलाला का जिक्र मैं करना चाहता हूं, उस हलाला की हालत को आप जानते नहीं हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, जो हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेरे पड़ोस में ही हलाला का शिकार हुई थी एक लड़की, कई बार अपने उद्घोषण में भी कही है, और पहली स्टोरी अपने कैरियर की मैंने संडे मेल में वही की थी। आप मुझे बताइए, मोदी साहब रमेश भाई का वोट लेके गए, पवन जी का वोट लेके गए हैं, अपने तमाम सारे शाह साहब का, हम सबका वोट लिया है ना उन्होंने, लेकिन काम वो यार उनके कर रहे हैं। तो 2004 के बाद जो उनका सबसे बड़ा एजेंडा था कि हलाला निकाल वाले मामले को मैं किसी भी कीमत पे खत्म करूंगा, तब मुसलमानों को लगा यार पैगंबर हो सकता है, ये तो हमारे ही काम करने आया है, हम जो रास्ते से भटक गए थे हमें रास्ते पर ला रहा है। तो अब इसमें भी उसके बाद भी अपना नहीं मान रहे वो। तो जितने गलत काम हो रहे हैं इस देश में, आप मानते रखिए, कुछ लोग कहते हैं चुनाव से जीता है, वोट से जीता है, मैं हिंदू नहीं हूं बहुत ज्यादा उस किस्म का, लेकिन मेरा मानना है कि कोई आदर्श शक्ति के कारण ये देश में ये स्थिति बनी है। मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरा माजी, मेरा पास्ट ऐसा कभी नहीं था कि मैं शायद इन सब बातों के बारे में बोलता था। मैं अच्छी खासी बड़ी हैवी तनख्वाह पे नौकरी कर रहा था, ये बात अलग है कि वहां से आतंकवादी आते हैं, मेरे डॉलर आते थे,
मैंने वो छोड़ दी और तमाम 15-20 लोग इस देश के अंदर बिना किसी सत्ता के, लालसा के, किसी पोस्ट के, किसी एजेंडे के 70 साल के जी डी बख्शी भी लगे हुए हैं और 60 साल के आर एस एन सिंह भी लगे हैं, सुशील भी है, गौरव पंडित भी हैं लोग, ये तमाम सारे लोगों से आप कभी मिलेंगे तो आपको लगेगा ये पागलपन इनके अंदर कहां से आया है, ये सब वेल कैरियर वाले लोग थे। तो मेरी जिम्मेदारी पर सौंपा गया है कि आप इस्लाम और कुरान और मुसलमान और हदीस के बारे में आप बताएं, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। इसलिए इस शक्ति के पैदा होने के पीछे आपके 2014 से पहले आप हिंदू बनने का सोचा, उसी का पराक्रम है। आपने सिर्फ सोचा है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कहते ठीक है सब कुछ हो रहा है दिखने में, लेकिन कोई शक्ति है जो इस वक्त इस सदी को पूरे तौर पे वापस ले जाना चाहती है, जिससे कि आपको इस दुनिया को बचाया जा सके। इसीलिए पूरा यूरोप खुल के कहता है कि भारत ही एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद से मुकाबला कर सकता है। पूरा यूरोप आपके बारे में कह रहा है, और यूरोप आपके आज के बौने नेताओं को देख के नहीं कह रहा, वो ये जानता है कि इस्लामिक आतंकवाद को 5000 साल पहले के बाद 1400 साल से सिर्फ भारत भुगत रहा है। उनके पास तो अभी पहुंचे सादिक खान साहब, तो अभी बने ना मेयर लंदन के, उनकी समस्या तो कल परसों हुई है, हम तो पिछले 7-800-1000 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में जो लोग ये कहते थे कि 370 हटाओगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा, अब उन्हें कंधों से बाहर निकालना पड़ रहा है कमरे में बंद। तो कभी कभी बड़बोलापन बहुत होता है, इसलिए कि आपने अपने एक्शन से पिछले 70 साल में अपने आप को बौनों से भी ज्यादा बौना साबित किया। और पहली घटना है देश की कि एक आदमी ने जो है वो कहना शुरू कर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। वो हिंदू को अच्छा लग सकता है, मुसलमान को बुरा लग सकता है, लेकिन जो देश के लिए अच्छा है वही कर रहा है। इसलिए कहीं से आवाज नहीं उठ रही, कहीं कोई 15 मिनट नहीं मांग रहा। उनको मालूम है कि 15 सेकंड का भी टाइम मिला तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए टेलीविजन पे आते हैं और बड़े हंसते हंसते कहते हैं देखिए कितना सौहार्द है, बाबरी मस्जिद के बाद हम सब भाई भाई हैं। उनकी शक्ल देख के लगता है एक फिल्म का टाइटल है, उस टाइटल का नाम है हंसते जख्म, ऐसी स्थिति उनकी लगती है। इसे बनाए रखिए, बिना गोली लगे इतनी लग गई है कि बोला नहीं जा रहा है, कुर्सी पर ढंग से बैठ नहीं पा रहे बेचारों, इतना भाईचारा इस वक्त चरम सीमा पे है। इसीलिए मैंने कहा इस भाईचारे को और बढ़ाइए, तो जितना आप इसे बढ़ाएंगे ये देश सुरक्षित रहेगा। आप तमाम सारे लोगों ने मुझे कलकत्ता बुलाया, खासतौर से रिस्क लिया, इस रिस्क के लिए आपको मुबारकबाद। बहुत मुझसे बेहतर बोलने वाले इस देश में हैं, ये डिस्कोर्स रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं जानता, मेरे और साथी जानते हैं, उन विषय पे उनको बुलाइए। किसी को बुलाने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं अवेलेबल हूँ, ये मैं मिशन मोड में हूँ, लिहाजा मेरा कोई यहाँ रुक जाऊँगा या कल कहीं और रुक जाऊँगा, मैंने बहुत सोच समझ के जीडी बख्शी आरएसएन इन सब के कहने से नौकरी से इस्तीफा दिया है, और तमाम जिम्मेदारियां मैंने थोड़े दिन के लिए सोचा है कि ये बिल्कुल अलग रहें, ताकि मैं पूरे ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ कर सकूं। मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, जिसको मंत्री बनना है वो बने, जिसको संतरी बनना है वो बने, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर इस देश को मेरे इस धरती से जाने से पहले भी अगर मैं 5% भी जगा पाया तो मुझे लगता है कि इसलिए आप सब लोग उस मुहिम के हिस्से हैं जो मुझे सुनते हैं। मेरे हो सकता है सारी बातों में से आपके मन में कोई सवाल भी आता हो, कोई आपके मन में ऐसा होता हो कि भाई इसका कोई हमारी जवाब समझ में नहीं आया, तो मैं कहता हूं कि जो कुछ मैंने बोला है उसमें यह सवाल मत पूछिएगा कि मोदी जी जो हैं जनसंख्या कानून कब लाएंगे, क्योंकि मैं उनकी कैबिनेट का सदस्य नहीं हूं। जो आपके मन में मेरे जो कुछ मैंने बोला है उससे कहीं कोई आपको एकेडमिकली कुछ जानने की कोशिश हो, उसका संदर्भ जानने की कोशिश हो, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद यहां आकर के एक तरफा भाषण देके ताली बजवाना नहीं है। अगर इस हॉल में एक एक आदमी मेरी बात से कन्विंस होकर निकलेगा तो ये मैं मानूंगा कि बंगाल के अंदर आज कम से कम 500 न्यूक्लियर बम पैदा हो गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर।